पेगासस मामले पर राहुल गांधी बोले, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात पर मुहर लगाई। भारत में बने कोरोना के टीके कोवैक्सीन को WHO की मान्यता का अभी और करना होगा इंतजार, WHO ने मांगी और जानकारी। सुपरस्टार रजनीकांत ने राष्ट्रपति और पीएम मोदी से की मुलाकात। पश्चिम बंगाल में गुटखा और पान मसाला के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध। समीर वानखेड़े के पिता का नवाब मलिक को जवाब, कहा मैं दलित हूं, मेरे दादा परदादा सब हिंदू हैं, तो बेटा कहां से मुस्लिम हो गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का हर अंदाज निराला है। हरीश रावत हर जगह हर समय अपने खुद को मौके के अनुसार ढाल लेते हैं, जिसका नमूना बाबा केदारनाथ में देखने को मिला। पूर्व CM ने केदारनाथ पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए, साथ ही 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के लिए आशीर्वाद मांगा और बाबा केदार के दर पर खूब झूमे। पूर्व CM हरीश रावत का केदारनाथ वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें हरीश रावत हर हर महादेव हर हर महादेव कहते हुए बाबा केदार के दर पर झूमते दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को लेकर लगातार चर्चाएं धूल पकड़ती दिख रही हैं कि वहीं बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। कांग्रेस में वापसी को लेकर इस समय राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। हालांकि हरक सिंह रावत का कहना है कि अभी कोई इस तरीके की चर्चा नहीं है कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। भाई, मुझे किसी समस्या को लोग फोन करें तो क्या मैं हरीश भाई का नाम सुनते ही फोन काट दूं क्या? आप मुझे बताओ ना सर, आपकी। अरे यार, वो प्रदेश के एक वरिष्ठ मुख्य पूर्व। अरे ठीक तो है, अच्छा तुम, अरे तो बढ़िया है, दो रावतों में बातचीत होती रहे नीचे। अब मैं तो कह रहा हूँ सब रावतों में अच्छी बातचीत होती रहे। त्रिवेंद्र रावत भी, अगर मेरे में भी बहुत अच्छी बातचीत होती रहे, तीरथ सिंह रावत से भी अच्छी बात हो रही, धन सिंह से तो अच्छी होती ही है, तो सबसे अच्छी। अब मैं तो चाहता हूँ त्रिवेंद्र भाई से भी अच्छी बात हो, मैंने तो हमेशा कहा। नहीं ना, वो करेंगे फोन तो मैं उनका भी उठा। ऋषिकेश स्थित भैरव कॉलोनी में सीवरेज की समस्याओं के निदान को लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भैरव कॉलोनी क्षेत्र में पहुंचकर पेयजल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों के संग मौका मुआयना किया। उन्होंने भैरव कॉलोनी, त्रिवेणी कॉलोनी और पंचकुटी को जर्मन सरकार के क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत 462.93 करोड़ रुपए की लागत से 180 किलोमीटर बिछने वाली सीवर योजना से जोड़ने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उत्तराखंड राज्य में जहां एक ओर वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के रोजाना नए मरीज सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर डेंगू के मरीजों की संख्या की भी तेजी बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि अभी तो प्रदेश के 4 जिलों में डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है, जिसमें मुख्य रूप से हरिद्वार जिले का रुड़की शामिल है, जिसके चलते स्वास्थ्य महकमे में चिंताएं बढ़ गई है। क्योंकि जहाँ एक ओर स्वास्थ्य विभाग कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है, तो वहीं डेंगू की दस्तक ने स्वास्थ्य महकमे में चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्टेड हुए हैं और एक डेथ हुई है। हालांकि अपनी तरफ से काफी कंट्रोल, हमारा काफी जो समय निकला पिछला, बहुत ही कंट्रोल वे में रहा। आखिर की जो वेव आई, बारिश आई, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है, और वो भी हमारे एक सेलेक्टेड एरिया में आई है। हरिद्वार के नारसन ब्लॉक में है और एक बादरा ब्लॉक में, तो वहाँ पर जो हमारे टीम है, इवन मेरे द्वारा भी वहाँ पर जाके विजिट किया गया था, तो हमारी टीम हर रोज़ जाती है, हर रोज़ 9 बजे से लेके 3-4 बजे तक वहाँ पर रह रही है। जहाँ और घर घर में हमारी आशाएं जाके जहाँ फीवर वाले पेशेंट्स हैं उनको उनके द्वारा वहाँ लाया जा रहा है, टेम्परेचर भी लिया जा रहा है, वहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है, उसके साथ साथ RT-PCR टेस्ट भी कर रहे हैं, जैसे कि ये हमें ये भी रहे कि हम कोविड में भी कहीं पर ऐसा तो नहीं कहीं कोई कोविड हो रहा है। तो और जो
माल रोड स्थित झूलाघर पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 106 सीट ऊंचे स्तंभ पर राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा किया गया। झूलाघर पर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस कार्यक्रम को और भव्य रूप दिया जाना था, मुख्यमंत्री द्वारा इसका लोकार्पण किया जाना था, लेकिन आपदा के चलते मुख्यमंत्री यहाँ नहीं पहुँच पाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज से माल रोड की गरिमा और बढ़ गई है। मसूरी के विकास की कड़ी में, सौंदर्यीकरण की कड़ी में आज एक कड़ी और जुड़ी है। झूलाघर पर राष्ट्रीय ध्वज, जो 106 फीट का पुल है, उस पर राष्ट्रीय ध्वज हमने यहाँ पर लगाया है, और जो कि यहाँ के सौंदर्य में है, चार चांद लगा रहा है। और इसके लगने के बाद निश्चित ही जब टूरिस्ट आएगा तो यहाँ पर उसको देखने आएगा। और यही नहीं, अभी कुछ मांगे यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष जी ने हमसे की है, हमने उन्हें स्पष्ट किया है, चाहे टॉयलेट की बात हो, चाहे पार्क के निर्माण की बात हो, ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। चाहता हूँ MDDA को, माननीय मंत्री जी को, कि आज ये ध्वज का यहाँ पे लोकार्पण हुआ है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे जो सुंदरता का जो पालिका द्वारा यहाँ का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, उसमें चार चांद लगेंगे, और हमारे लिए एक गौरव की बात भी है, मान की बात भी है कि हमारे शहर में इतना 100 फुट ऊपर राष्ट्र ध्वज है। तो इसके लिए मैं सभी शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई। सहकारिता विभाग द्वारा प्रदेश के बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी में चलाए जा रहे हैं। कंप्यूटराइज अभियान में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष PC तिवारी ने घोटाले का आरोप लगाया है। PC तिवारी का आरोप है कि उत्तराखंड की 600 से अधिक इस सहकारी समितियों में कंप्यूटराइजेशन के नाम पर करीब 30 करोड़ की धांधली की गई है, जिसमें सहकारिता विभाग से लेकर विभाग के मंत्री की मिलीभगत है। उन्होंने जिलाधिकारी अल्मोड़ा वंदरा सिंह को पत्र देकर इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। देखिए, उत्तराखंड में 660 जो हैं, जो सहकारी समितियां हैं जो ऋण का काम करती हैं, इसमें जनता के शेयर लगे हुए हैं। अल्मोड़ा में 77 हैं। तो सहकारिता विभाग ने 5,40,000 प्रति उसके आधार पर एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया, जिसकी कोई जानकारी लोगों को नहीं है। 86,000 का एक बिल दिया है, और बाकी पैसा कहाँ गया, कैसा गया, उसका कोई मामला नहीं है। तो हम इसके माध्यम से हम जिलाधिकारी को हमने कागज लगा दिया है। मेरे हिसाब से इसमें अल्मोड़ा जिले में 3-4 करोड़ का और उत्तराखंड में 30 करोड़ का घोटाला है। इसमें सहकारिता मंत्री से लेकर सहकारिता विभाग शामिल है, और एक उसकी DPR तक नहीं दी गई है, और उनसे ऋण लेके ये सारा काम किया गया है। तो इतने बड़े घोटाले का पर्दाफाश होना चाहिए। अगर जीरो टॉलरेंस की सरकार है तो जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए नरेंद्रनगर विधानसभा के बीमाड़ गांव में राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी शहीद हो गए थे। शहीद के परिजनों से मिलने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत शहीद। उन्होंने शहीद राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी के परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि वीर सपूत राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी ने देश रक्षा में अपनी आहुति देकर भारतीय सैन्य पराक्रम के इतिहास अमर हो गए हैं। उनकी वीर गाथा को देश कभी भी नहीं भुला सकता। हम सबको उन पर गर्व है। शहीद हुए हैं, देश के नाम मर मिट गए हैं। ऐसे रामपुर और हड़ी में दूसरे विक्रम सिंह नेगी, उसके यहाँ होकर आ रहा हूँ और उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित किया हूँ। मैं उनको नमन करता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि ऐसे जवान जांबाज जो देश के लिए मर मिट गए। मरना तो हर किसी को है, ठोकर चलते चलते भी लगते हुए मर जाते हैं, नदी में जाकर मिल जाते हैं ऐसे एक्सीडेंट में, लेकिन ऐसा जो केवल देश के लिए और उन पूरी तरह बर्फीली चोटियों में अपने गलाते हुए और लड़ते हुए, तो उनके साथ सही। उत्तराखंड कांग्रेस का मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम आज से 25 विधानसभा क्षेत्र में बूथ कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग देंगे। 1 महीने तक सभी बूथों में पहुंचेगी कांग्रेस, और पहले चरण में 31 अक्टूबर तक 25 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी कांग्रेस। प्रदेश के सभी 70 विधानसभाओं में चलेगा बूथ कार्यकर्ताओं का ट्रेनिंग कार्यक्रम। ये कार्यक्रम
अपने तरीके का एक अभिनव कार्यक्रम है जिसमें हमारी सारी पॉलिटिकल गतिविधियों का जो अगले 2 महीनों में हम लोग राज्यभर में कर रहे हैं या करने जा रहे हैं उनका निचोड़, क्योंकि बूथ ही डिलीवरी पॉइंट है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने बूथ के महत्व को न समझा हो, बल्कि हम लोग जो हमारा बूथ एजेंट होता है या होता है उसको सर्वोच्च मानते हैं। और मुझे ये कहते हुए भी खुशी है कि जो बूथ पर एजेंटी करने का काम, एजेंटी को नाम पहले से चल गया है। अधिक ब्याज देने के नाम पर करोड़ों का चूना लगाने वाला मामला एक बार फिर सामने आया है। जनशक्ति के मल्टी स्टेट को कोऑपरेटिव नाम की एक सोसाइटी ने सैकड़ों लोगों को करोड़ का चूना लगा दिया, जिसके बाद धोखा खाए एजेंट और ग्राहकों ने ऋषिकेश स्थित कार्यालय में जमकर हंगामा काटा। वहीं इस मामले पर लोगों ने सोसाइटी के अधिकारियों को सुबह से शाम तक घेर कर रखा और सोसाइटी के मैनेजर के साथ लोगों ने नोकझोंक भी देखने को मिली, जिसके बावजूद मैनेजर द्वारा साफ शब्दों में पल्ला झाड़ते हुए कहा गया कि पैसा बाजार में फंसा है। वहीं पीड़ित लोगों का कहना है कि उनकी रकम कई साल पहले पूरी हो गई थी, जिसके बावजूद उनको रकम वापस नहीं मिली है। सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरे मम्मी पापा ने यहाँ पे एक पैसा जमा किए थे, 3 लाख की अब मैच्योरिटी करी थी, तो वो 4 साल हो गए हैं, उसके ऊपर भी 4 महीने हो गए हैं। अब ये मैच्योरिटी नहीं दे रहे, ये बोल रहे कि बैंक अपनी ब्रांच में जाओ। अब जो ब्रांच छिद्दरवाला में थी वो बंद हो चुकी है। उसके बाद हम ऋषिकेश आए हैं, ऋषिकेश से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है हमें। हम 4 महीने से ऐसे परेशान हो रहे हैं और मैं कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। अब बताओ, अब पैसा नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे, कैसे हम अपना आगे का वो चलाएंगे? तो इसलिए हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। पैसा हमें टाइम पे नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, हमें क्या फ़ायदा हुआ यहाँ पे पैसा जमा करा के? पैसा मैच्योर हो रखा है, जो पैसा मार्केट में जो पैसा लिया है वो गया है लोन के रूप में। लोन कराने वाले भी यहीं के क्षेत्रवासी है, कोई बाहर का तो है नहीं, कोई बाहर वाले ने आके यहाँ पे लोन बांटे गए हैं। लोन कराने वाले भी यहीं पे, खाते खोलने वाले भी यहीं पर ही है। तो लोन का भी रिकॉर्ड लेके आए हुए और मैच्योरिटी का भी रिकॉर्ड निकालने के लिए इसी मारे मैं दिल्ली से आ रखा हूँ कि लोन भी हमारा रिकवर होए ताकि लोगों का पैसा वो वापस हो, क्योंकि जो लोन में पैसा गया वो भी तो इन्हीं लोगों का, कोई तो बाहर वालों का तो है नहीं। वो 14 से जनशक्ति में काम कर रही हूँ। 2019 में मेरी एक भी मैच्योरिटी नहीं आई है, 19 से मेरी एक भी मैच्योरिटी नहीं आ रही है। ये क्या कह रहे हैं कि आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, मतलब मेरे को टाल टाल कही इन्होंने। आज 21 हो गया, 2021 में अभी तक मेरी एक भी मैच्योरिटी नहीं आई। सर आप बताओ मैं क्या करूं, 4 लाख रुपए फंसा हुआ है यहाँ मुझे। सितारगंज के गांव गोठा की महिलाओं ने कोतवाली घेरकर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया। दरअसल 20 अक्टूबर की रात को सितारगंज कोतवाली पुलिस ने सत्येंद्र कुमार नामक युवक के घर गोठा पहुंची और रात में ही पुलिस उसको पकड़कर सितारगंज कोतवाली ले आई, जिसके बाद पुलिस ने न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। आरोपी के ऊपर 3 मुकदमे पूर्व में ही चल रहे थे और विधायक की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी के साथ हाथापाई कर वर्दी फाड़ने का आरोप है। वहीं गांव की महिलाओं ने पुलिस पर महिलाओं के साथ मारपीट करने के आरोप लगाते हुए युवक को घसीटने व मारने का भी पुलिस पर आरोप लगाए हैं। महिलाओं ने कहा है कि जब तक आरोपियों के खिलाफ पुलिस कानूनी कार्रवाई नहीं करती तब तक महिलाओं ने सितारगंज कोतवाली में ही धरने पर बैठे रहने की बात कही है। हमारे भैया के साथ बहुत मारपीट हुआ, मतलब 20-30 पुलिस वाले हमारे घर में घुसे, ड्रिंक किए थे, हमारे घर में घुसे, मेरे भैया को मारे, हमें मारे, बहुत बुरी तरीके से मारे और इतना मारे हैं उनको कि हम दिखा भी नहीं सकते और बता भी नहीं सकते। लेकिन मैं बता रही हूँ, मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा है, टीचर के धमकी देके मारा है, मुझे गिरा के मारा है, कपड़े फाड़ दिए, बदतमीजी की मेरे साथ। लड़का है गुरु जी, उन्होंने रात में सोए थे,
रात में सोए थे, पुलिस वाले गए, पुलिस वाले जाने के बाद बिल्कुल ये नहीं कहे कि तुम्हारी गिरफ्तारी है, हम पकड़ने आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जाते ही दो पैर पकड़े, हाथ पकड़े, मारपीट वहीं करने लगे, करने के बाद घसीट के लाने लगे। अगर वो कहते कि तुम्हारी गिरफ्तारी है, हम ले जा रहे हैं, महिलाओं तुम मत बोलो, साइड में हो जाओ। हम लोग जब मारने लगे तो हम लोग दौड़ के गए, जाके देख रहे हैं तो हमें पुलिस वाले ने इतना मारा, हमारा बाल पकड़ के नीचे फेंक दिया। मैं कसम खा के कोतवाली के सामने बोल रही हूँ, मैं झूठ एक भी बात नहीं बोल रही हूँ, सारी बातें सच बोल रही हूँ। मैं गिर गई वहाँ, गिरने के बाद फिर मैं उठी, फिर दौड़ के आई, पुलिस वाले ने मुझे ऐसे यहाँ धक्का मारा। फिर हमारे दो तीन महिलाओं हमारे पड़ोस की दौड़ दौड़ के गई, उनको भी डंडा मारे, यहाँ फूट गया, उनकी माता जी ने भाग के गई, उनको ऐसे धक्का मारे पुलिस वाले, आरसीसी पे गिर गई, बेहोश हो गई वहाँ, लाठी भी लगी। बेहोश होने के बाद हम लोग चिल्ला रहे, अरे मर गई, फिर भी हम लोग दौड़ते भागते जाते रहे। अगर हमारे लौका ग्राम सभा की पुलिया नहीं होती, हमारे इतने लोग नीचे गिर के मर गए होते पानी में कि पूछिए मत। एक लड़का हमारा वो विकलांग थे, वो दौड़ के गए, उसको ऐसे फेंक के पानी में गिर गई, मैं पूरे हमारे कपड़ा सन गए, पूरे हम गिर गए, रोते गाते। लड़की को भी मारा था, लड़की वो प्रेग्नेंट थी, अपने कमरे में टहल रही थी, उनको जाके ऐसे लात मारे, वो गिर गए। उसी दिन से मैं लेकर रोज अस्पताल में दौड़ दौड़ के सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। आज हम यहाँ आ गए, अभी 2 बजे के बाद से जाके उनको सरकारी अस्पताल में इलाज। उत्तराखंड की फिलहाल अब तक की खबरों में बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।